बीती मंगलवार रात मेडिकल क्षेत्र की चौकी में तैनात पुलिसकर्मी गणेश जोशी द्वारा नशे की हालत में सुशीला तिवारी अस्पताल के पास लगे ठेले वालों से झगड़ा और गाली गलौज करते हुए ठेला में सामान नहर में फेंक देने का मामला सामने आया है। इस घटना से ठेला संचालकों में कड़ा रोष व्याप्त है और वे पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर मुखर हो गए हैं। उन्होंने पुलिस के शीर्ष अधिकारियों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आज सुबह ठेला फड़ वेंडर्स कल्याण समिति से जुड़े तमाम ठेला संचालक कोतवाली पहुंचे और आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मीडिया से मुखातिब होते हुए तमाम ठेला संचालकों ने पुलिस के एक बड़े अधिकारी की शय पर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिए जाने की बात कही है। उन्होंने साफ तौर पर सवाल दागा कि उस स्थान से अतिक्रमण के नाम पर सारे ठेले हटा दिए गए तो एक अन्य महिला का ठेला ही उक्त स्थान पर क्यों लगवा दिया गया, उस महिला के ठेले को आखिर क्यों संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी के ऊपर किसी बड़े अधिकारी का दबाव है और वह ऐसी व्यवस्था को बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। और सारे खाने का सारा नुकसान हो गया और उसमें खाली काउंटर दूसरों का काउंटर लगवाया, पुलिस वालों ने लगवाया, गालियां दे दे के बक बक के तुम्हें जो करना है वो कर लो, कि मतलब काउंटर यहीं रखा जाएगा, वहीं रखवा गए, आज भी चले गए और वहीं पर रखा है और आज तक अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो और क्या, सब बेवकूफ़ है, सब मतलब पीछे जाएंगे वो आगे रहेगी, ये उसके बाद में क्या कार्रवाई की जाएगी उसकी, आज तक भी नहीं वो हो रखा है वहीं पर। जी मेरा नाम जावित्री देवी है, मेरा मतलब मेरे वहाँ पे मतलब हटवा के ठेला थोड़ा सा पीछे करा गया, पुलिस वाले कह रहे थे जो चाहो जो कर लो, किसकी किसी के पास जाओ। की पृथ्वी कहता अधिनियम 2014 और नियमावली उत्तराखंड सरकार 2016 बनी हुई है, उसके उपरांत जो है उच्च न्यायालय के आदेश हैं कि जब तक कि सभी पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण कार्य और उनको जो है वेंडिंग जोन वगैरह का सारे कार्यक्रम पूर्ण नहीं हो जाते हैं तब तक किसी भी पथ विक्रेता को बेदखल ना किया जाए। कल परसों की एक घटना हुई है जो कि एक पुलिस प्रशासन के सुरक्षा नागरिक द्वारा, जबकि कानून की रक्षा करने का उनका वो है और उन्होंने कानून का उल्लंघन करते हुए अधिनियम 2014 और नियमावली उत्तराखंड सरकार 2016 का उल्लंघन करते हुए उन्होंने जो है वहाँ पर एक ठेले गिरा दिए कांस्टेबल साहब ने और नहर में ठेले फेंक दिए जो कि ठेले सामान से भरे हुए थे। काउंटर नहीं लगा और कह रहा है इससे आगे लगे तो उसको कोर्ट की कार्रवाई करनी करेगी और कह रहे हैं वहाँ किसी का ठेला नहीं लगा उनके आगे बोल रहे हैं काउंटर हटवा दिया जाए। बात ये किसके द्वारा हटाया गया काउंटर? सर हटवाया नहीं गया, लगवाया गया, कह रहे हैं इसके आगे किसी का ठेला नहीं लगेगा ये बोल रहे हैं वो। और ठेले नहर में ठेले सब नहर में डाल दिए गए हैं, सभी का खाने वाने का सामान नहर में डाल दिया गया है और बहुत नुकसान करा गया है सर। सिपाहियों के द्वारा गणेश जोशी कौन सा था उस चौकी में? मेडिकल चौकी सर। आपका नाम? सर बीना।